खाते बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं क्या था ना कि अभी ये वाला जो है फेस रिवील यानी एंट्री का है वीडियो, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और ये वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा कि जैसे एंट्री होता है तो सब लोगों का माहौल कैसा होता है। और उस वक्त मैं नीचे जाके अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, उसका भी एक बहुत ही खतरनाक सा स्टोरी है, जबकि मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत जल्द बताऊंगा क्या स्टोरी था। क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था कि पहनो फिर निकालो, फिर पहनो ड्रेस पहनो निकालो, फिर कम से कम 5-10 बार ऐसा हो गया मेरे साथ। लेकिन कोई नहीं, चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। और वीडियो में आप लोग बने रहिए, और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं ना, आप लोगों को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और इसी तरह से आप लोग हमेशा अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए, और जिसको भी जितना भी बोलो उतना कम है। और सब लोग सबसे अच्छी सब लोग अच्छा दिख रहा था, कब लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा लाइट के वजह से थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था कि, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है और क्या क्या आगे होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो में छूटेगा उसका एक और भी वीडियो बनाऊँ, जो कि आपको कोई नेक्स्ट चैनल पे डालेंगे, या आप लोग कमेंट कीजिएगा वैसा। क्योंकि क्या क्या सोना का मतलब क्या क्या चढ़ रहा है वो सब आप लोगों को हम एक ही करके बाद में दिखाएंगे। और उसके बाद से इतना खूबसूरत लग रहा था, सब लोग आए जब एंट्री हुआ तो वो मेरे तो पता नहीं था, हम तो नीचे थे। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद से थोड़ा ठीक भी लगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे सचिन के पापा पुजारी करने जा रहा है, और लड़की आई है स्टेज पर, तो अब सबको प्रणाम कर रही है एक एक करके। और इसकी सब बहन है, एक से एक थी सब बहन इसकी, और ये चार बहन है। तो दूसरा नंबर है लड़की प्रिंस का, साली है सब तीन दो ठो, और बड़े पापा के लड़की है लो। तो इस मामले में ये धनी निकला है।
जब जाएगा तो साले लोग से मजाक उजाक करेगा। और आप बैठ गई और पंडित जी अपना इसकी बहन है जो इसका पर्व ठीक कर रही है। और एक एक करके जो है वो इंगेजमेंट का कार्यक्रम जो है पुजाई जो है वो पूरा हो रहा था और सभी लोग जो है अभी खाना खाने हम लोग चले गए थे और हम लोग नीचे थे और सब लोग दम जम के खाना भी खा लिया और उसके बाद जैसे ही ये पार्ट होगा तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा आप लोगों को इंगेजमेंट का देखने को मिलेगा और यहाँ पे भैया भी खड़ा हुआ है। और अब हम लोगों में क्या होता है कि जैसे गौरी गणेश जी को पहले पूजा जाता है, तब गौरी को पूजा जाता है, सीता माता को होता है लड़की का और सीता जी का बाद में राम जी को बराछा लेकर सीता जी को दिया जाता है। तो इनका पहले बराछा हो गया, उसके बाद लड़की का, ये सब उनके पक्ष से आया था, हम लोग के तरफ से ये था। और सब एक एक करके आप लोग दिखा दिया गया, आप देखिए सामने थोड़ा सा। वैसे ये वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या गिफ्ट जो है वो आया या क्या क्या उधर से मिला है। तो बस बने रहिए वीडियो पे और खूब सारा मजा आने वाला है। और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा एंगेजमेंट का जो रिंग पहनाने का हुआ है कार्यक्रम, तो आप लोग को दिखाया जाएगा। और गाइस एक बात बता रहे आप लोग से कि जिसमें का ये पहनी थी कपड़ा गाउन, उसी में का प्रिंस पहने हैं, उसी में का लड्डू पहने थे और बहुत अच्छा लगा कि लड्डू को भी उन्होंने सब लोग मिलकर प्यार किया और माना उसको। हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है लड्डू, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और सब आप लोग देखिए और भैया देखिए सो गाइज आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, इसी तरह हैं, सुबह से सब वाइन बांट रहे हैं, दे रहे हैं सबको। गेस्ट लोग आए हैं तो उन लोग को सब कुछ देना है, कपड़ा लता जो भी है दे रहे हैं। और तो गाइज अभी इंगेजमेंट का वीडियो जो है आप लोगों को इतना खूबसूरत लगने वाला है, उसमें बहुत सारा चीज़ हुआ है
बस आप फिर बना है वीडियो और थोड़ा थोड़ा करके सब में डला रहा है वीडियो, और लड़की वाले ने बहुत अच्छे से स्वागत किया हम लोग को, और जितना हम लोग सोचे थे उससे अच्छा ही किए। हम लोग भी जितना लगा उतना हम लोग भी अपने तरफ से किए, तो बहुत अच्छा लगा। और प्रिंस भी खूब मस्ती में था, खुश था, और लड़की भी बहुत अच्छी है। तो अभी एंट्री हो गया है और आप लोगों को देखने को मिलेगा और फेस रिवील हो गया, और बस आप लोग कमेंट कीजिए कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द आएगा जिसपे आपको देखने को मिलेगा एंगेजमेंट, फिर उसके बाद से देखने को, यानी बैक टू बैक वीडियो आने वाला है। अरे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि लड़की मेरी पसंद की है, कैसी है, और प्रिंस उसमें मैच है कि नहीं है, और सचिन मनीषा जो खड़ी थी वहाँ, तो मेरे दोनों बहू एक जैसी लग रही थी, जैसे मनीषा है वैसे ही रंजना है, उसका नाम रंजना है और मेरा नाम रंजू है। तो आप लोगों को पहले हम बता दिए थे कि मेरे नाम से वो उसका नाम है, तो हमको अच्छा लगा, कहीं कहीं कुछ हम लोग में उसका मिलता जुलता है। और सबको क्या बोलना चाहेंगे? और सब लोग इतने प्यार कर रहे हैं हम लोग से, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसी तरह हम लोग के चैनल पर बने रहिए, देते रहिए और बने रहिए और खूब प्यार दीजिए। तो आगे और सारा आने वाला है, जैसे अभी सगाई का वीडियो आएगा आप लोगों को देखने के लिए गाउन थोड़ी देर में आएगा, और उसके बाद से आप लोगों को दिखेगा कि क्या क्या मिला। बरअच्छा पे क्या मिला मम्मी? इनका हाथ में बरअच्छा पे मिला था एक चांदी का बाउल्स, उसमें बहुत सारा पैसा मिला था, और है लगे। हाँ, और क्या मिला था उसमें? अथिया में ना कटोरा बना, ये हाथ में इनको चढ़ा था और इसमें पैसा डाल के उन लड़की के पापा दिए थे। ये एक चांदी का सिक्का है और फूल पीला वाला मिला था, और बहुत सारा इनका एक धोती कुर्ता मिला है, शेरवानी मिला है, और बहुत सारा सामान मिला है। हम लोग का पूरे फैमिली के लिए कपड़ा मिला है, और बहुत सारा गिफ्ट भी है जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको धीरे धीरे करके मिलेगा देखने के लिए। और चलिए मौसी आप बताइए कैसा लगा पूरा कल का दिन? बहुत अच्छा लगा, स्वागत सब कुछ, कोई सब कमी कुछ अच्छा हुआ, मजा भी आया, लेकिन हम लोग लेट थोड़ा पहुंचे थे इस वजह से पहुंच रहे थे, तो ना डीजे ढंग मतलब बज पाया, लेकिन हम लोग का वहाँ 6 बजे तक मैरिज हॉल खाली कर देना था पटना का, लेकिन हम लोग घर से निकलते मेहमान को लेके जाते जाते हम लोग को 1 बज गया, इसलिए ज्यादा हम लोग इंजॉय भी नहीं कर पाया। डांस वगैरह ये लोग बच्चा लोग थोड़ा सा किया, मनीषा की और वो सचिन की, ये दोनों जन किया लोग। चलिए तो वीडियो को करते हैं। ऐसा है कि इनसे अच्छा वो गाती है गाना, उसका गाना जो हम गाए जब समय में, तो हम लोग गवाए थे एक गाना, वीडियो है हम लोग के पास, आप लोग को डालेंगे, जो गाना अपने गला से उगाई है, इनसे बढ़िया वो गाती है। तो ये कहीं जाके हम लोग को परिवार में सब भगवान लिखते हैं जोड़ी, और जोड़ी वहीं से बना के आती है। तो हम लोग एक गार्जियन क्या है, एक ऐसी है कि शादी कराने का, लेकिन चलिए आप लोग और सारा बात बताएंगे और सारा कहानी बताएंगे क्या क्या हम लोग के साथ हुआ था इतनों दिनों में उसके साथ से। तो आप लोग कमेंट करते थे कि तेज है, तेज नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, और जैसे मनीषा है वैसे वो भी है मेरे लिए। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए और देखिए। बाय बाय।